ये जितने भी तालिबे इल्म हैं पानी की अहमियत को बहुत बेहतर अंदाज से ये समझते हैं। मैं इनसे भी जानता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और ये एक इशू नहीं है। पानी को गलत इस्तेमाल के साथ साथ जो नहरी पानी का भी गलत इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ मिसमैनेजमेंट है, वो भी बहुत बड़ा मसला है। और रावी के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। इन सब से मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे जान सकूँ कि ये, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इनमें इस सब्जेक्ट को लेकर शऊर ज़्यादा है तालिबे इल्म में इस सब्जेक्ट के, तो ये क्या वर्ल्ड वाटर डे पे सोचते हैं और हर साल इसे मनाते कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, किस सेमेस्टर में जी आप? एक्चुअली मैं यहाँ पे टीचर हूँ। अच्छा, आप पढ़ाती हैं। मुझे मैडम ये बताइए कि पानी से आम बंदे को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? ये कहना चाहूँगी कि देखें, अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि हमारा जो नहरी निज़ाम है वो रशिया के नहरी निज़ाम से थ्री टाइम्स जो है वो बिगर है। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें तो हमारे जो इरीगेशन के बहुत सारे मसले मसाइल है वो हम ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ग्राउंड वाटर बच सकता है क्योंकि हम सर्फेस वाटर ईजिली यूज़ कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या मैसेज है वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से और किस तरह लोग बचा सकते हैं पानी को? मेरा ये मैसेज है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत रैपिडली डिप्लीट कर रहे हैं और उनको कंजर्व करने का सबसे बेस्ट एफिशिएंट मेथड ये कि जितने लीकेजेस हैं उनको अवॉइड किया जाए, और जहाँ पे भी वाटर का वेस्टेज होता है, स्पेशली लाइक जितनी भी कार वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको रिप्लेस किया जाए। जितना जिसमें फॉर इंस्टेंस हम पाइप्स लॉन में लगा के छोड़ देते हैं कि वाटर होता रहेगा, तो ये वाली सारी प्रैक्टिस उनको रिड्यूस किया जाए। एंड द सेम जिस तरीके से स्टूडेंट बात की थी कि वाटर हार्वेस्टर्स इंस्टॉल होने चाहिए, तो इस तरह के काफी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम वाटर को कंजर्व भी कर सकें और इसका रीयूज भी कर सकें। तो दैट्स ठीक। मुझे बताइए कि किस तरह एक आम इंसान और घर में खातिन जो हैं वो पानी को बचा सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं, और डिपार्टमेंटल लेवल्स पे क्या क्या पॉलिसी रखनी चाहिए? डिपार्टमेंटल लेवल पे तो मुझे यही लगता है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने ज़्यादा हो सकें हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। और घर में जैसे आपने बताया था पहले कि घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर ब्रश कर रहे हैं, टूथब्रश कर रहे हैं तो पानी बंद करें, अगर बर्तन धो रहे हैं तो पहले पानी बंद करें उनको कर लें, तो फिर इसी तरह ही सेफ वाटर सेफ लाइफ, बेसिकली यही मैसेज है। सेव वाटर सेव लाइफ। आपका क्या मैसेज है जी? मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें हाउस होल्ड लेवल पे पानी की जो लीकेज है उसको कम करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल किसी ऐसे वे से करना चाहिए जिसमें कम से कम ज़ाया हो। ये मेरा मैसेज। आप क्या कहेंगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बन रहा था डैम के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह इकट्ठे की गई, उस डोनेशन का तब तक फ़ायदा नहीं जब तक हम अपने घर में पानी को सेव नहीं करेंगे, वाटर को सेव करना चाहिए। उसके अलावा हमें इंडस्ट्री में और डिपार्टमेंटल लेवल पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वाटर को कंजर्व करने के अलावा उसको रीयूज भी कर सकें। जितना पानी हम ज़मीन से ले रहे हैं उतना साइकिल वापस नहीं जा रहा, उसे पे बैक नहीं कर पाते, और बारिशों की कमी भी इसमें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मैं कहूँगी कि देखें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी, हमने ही वाटर साइकिल को डिस्टर्ब किया, नहीं तो नेचर का तो हर सिस्टम ही परफेक्ट होता है। तो हमने उसको वाटर को इस तरह वेस्ट किया है, इस तरह हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। डेली हम डैम के लिए तो पैसे देते हैं लेकिन सेव नहीं करते, तो वो हमारी वजह से ही अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वाटर ही नहीं रहेगा। तो हमको पे करना पड़ेगा फिर वाटर के लिए, जैसे बाकी चीज़ों के लिए हम पे करते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज़ के लिए बिना रह सकते हैं लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं। अब वाटर की शरत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस है उसने डैम बनाने की मुहिम जारी की थी, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे पानी की कमी से बच सके। खुद लोग कैसे बचा सकते हैं पानी? जैसे कि अब हम फॉर एग्जांपल ब्रश करते हैं, दैन हम जो नल है वो हम खुला रहने देते हैं। अब इसको हम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब हम ज़रूरत है तभी करना चाहिए। हम जब गाड़ी वगैरह वॉश कर रहे होते हैं तब ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़्यादा पानी का बेदरेक इस्तेमाल, हाँ जी बेदरेक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक बात है जी, थैंक यू। क्या कहेंगे जी आप? ऑब्वियसली पानी का सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, हमें खुद भी उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके यूज़ में कमी करनी चाहिए, जितना एटलीस्ट हमें रिक्वायर है उतना यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद अपनी जनरेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पानी हमारी पब्लिक अवेयर है लेकिन फिर भी वो उसको उस तरह से यूज़ नहीं करती, तो इसी तरह यूज़ करना चाहिए ताकि वो आप समझते हैं कि पॉलिसीज ठीक करने से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या जो लोग हैं वो अपने तौर पर इस पर कोई ना कोई काम करेंगे, इखलाकी तौर पर मॉरल वैल्यूज़ के तौर पर इसको बचाने की कोशिश करेंगे वो बेहतर होगा, या पॉलिसीज़ ज़्यादा बेहतर होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? पॉलिसीज़ बेहतर हैं लेकिन लोगों को खुद भी अपने अंदर बेहतरी लानी चाहिए, फिर वरना नहीं इस तरह पॉलिसी जितनी भी अच्छी बन जाएगी अगर खुद हम लोग नहीं चाहेंगे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कहेंगे जी इस पर, और कैसे आम लोग इसको बचत कर सकते हैं पानी की, और क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए आपकी बतौर तालिबे इल्म, क्या फाइंडिंग्स हैं?
जो हम लोगों को वाटर सेव करने के लिए पहले तो हम लोगों को सेल्फ पे देखना चाहिए कि हम अपने रूटीन लाइफ में वाटर का इतना यूज़ कर रहे हैं और हम वहाँ पर अगर नहीं सोच रहे तो हम पॉलिसीज बेहतर करके क्या कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को पहले अपने आप पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वाटर को सेव करना चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं रहेगा तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग खुद जिंदा रह सकेंगे, कि हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने मरते हुए देखेंगे अपने सामने। क्या कहेंगे जी आप? पानी अल्लाह की दी हुई नियमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें इसे सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए। कैसे? मीन के हम अपने घरों के नल को खुला ना छोड़ दें, कपड़े वाश करते हुए हम लोग पानी का खूब एहतियात से काम करें और बस। ठीक है, हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी, क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी और किस तरह बेहतर इसे बनाया जा सकता है ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो पानी को तरस ना जाएं, बूंद बूंद को ना तरसें? पहले तो हम जो यूजेबल वाटर है हम उसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अगर बर्तन धोते हैं तो वो पानी हम दोबारा फिर पौधों को भी दे सकते हैं या उसे हम गाड़ी भी वॉश कर सकते हैं, तो ऐसे हमें पानी बचाना। ऐसा तो इधर रिवाज ही नहीं है, तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि अब पानी ख़त्म हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना है उन्होंने, तो उनको ये सोचना चाहिए कि पानी ख़त्म हो रहा है, आगे वाली नस्लों को पानी चाहिए तो उनको अब ये करना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? यही कहूँगी हमें अपने सिस्टम्स ऐसे बनाने चाहिए कि पानी हमारा रीयूज़ हो सके। अगर हम बर्तन धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, कि उसका पानी हम ज़ाया ना करें, हम उसको प्लांटेशन में यूज़ करें, इस तरह के वो ज़ाया ना हो, हमें दोबारा से ड्रिंकिंग वाटर को ज़ाया रीसाइकल कर लिया जाए तो बेहतरी होगी। हाँ जी, रीसाइकल कर लिया। सबसे बेस्ट पॉलिसी यही होगी कि घरों में भी जो लोग बर्तन धोते हैं और उस घर के पानी को भी रीसाइकल करने का अगर रिवाज पड़ जाए, सिस्टम लगाओ, मैकेनिज्म लगाओ, तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल यही बात जी। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? पानी को सेव करने के लिए सबसे मेन वजह डैम्स का ना बनना है, और अगर हम लोग डैम बना लें कलाबाग डैम, तो हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आपका लाहौर से ताल्लुक है? जी। ओके, क्या हाल है जी आपके? ठीक है, खैरियत से? मुझे ये बताइए कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है इन मसाइल को और हालात बेहतरी की तरफ भी जाएँ, और रीसाइकिलिंग का तो इधर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत कम, नामुमकिन। अच्छा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और पानी जो है ये अल्लाह ताला की दी हुई जो है बहुत नेमत है हमारे ऊपर, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पानी जो है ये रिन्यूएबल नहीं है और ये लिमिटेड अमाउंट तक है और बाद में इसने ख़त्म हो जाना है, और हमें इसे सस्टेनेबल वेज में यूज़ करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज हमें देखनी चाहिए, डैम्स बिल्डअप करने चाहिए, इसको जितना हो सके रिसाइकल करना चाहिए। और थैंक यू, आप क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। हमें पानी का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें पानी को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि आगे नेक्स्ट जनरेशन यूज़ कर सके। हमें ये गिफ्ट के तौर पर मिला है, हमें इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे ये गिफ्ट के तौर उन्हें भी गिफ्ट के तौर पर मिले, ना कि हमें सारा यूज़ कर लेना चाहिए। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना कि हमें चाहिए सिर्फ उतना यूज़ करना चाहिए, और मीन्स के गंदा भी नहीं करना चाहिए, जैसे जो रावी है उसमें कितना कूड़ा वो फेंक देते हैं और वो पानी सारा गंदा, सारे गंदे नाले लाहौर के वहीं गिरते हैं। हाँ, और जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है और लोग पे मार भी होते हैं इसकी वजह से। फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। आपका क्या जी कॉन्सेप्ट? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये पानी जो है इसके बगैर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, ये हमारी आप खाए पिए बगैर तो रह सकते हैं लेकिन आप पानी पिए बगैर नहीं रह सकते। तो ये है कि हम जितनी मर्जी पॉलिसीज़ जितने मर्जी सिस्टम बना लें, लेकिन जब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हम खुद कुछ नहीं करेंगे, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता जितने मर्जी आप बना लें। इसके लिए यह है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, और इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप घरों से शुरू करें, अपने बच्चों को बताएं पानी सेव करें, इसको ज़ाया ना करें। पहली दरसगाह आपके घर होती है, तो जितना मर्जी पढ़ लें अदारा कितनी की देर तक कर सकता है, घर का भी आपका जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, तो आप अपने घरों में सबसे पहले शुरू करें, बच्चों को बताना शुरू करें कि पानी जो है हम तो बहुत जितना मर्जी यूज़ कर रहे हैं लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए फिर पानी इतना नहीं बचेगा उनको मसला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अब्बास, तो अब्बास किस एरिया से? हम लाहौर से हैं। मैं लाहौर ग्रीन टाउन से हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइए क्या सूरत हाल है पानी के हवाले से, कैसे इसे सेव किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि पानी बहुत बड़ी नेमत है, और हुकूमत ने जो इस पर डैम बनाना है उस पर काफ़ी अर्सा बढ़ा, अगर जब तक वो डैम नहीं बनते उससे पहले हमें चाहिए कि हम उसके कंजप्शन में कमी कर सकें, मतलब कि हम गाड़ी हफ्ते में 2 दफ़ा धोते हैं, हमें वो महीने में 2 या 3 दफ़ा धोनी चाहिए, और बाकी ऑलमोस्ट कह चुके हैं सर। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शेख जमील अहमद है। शेख साहब, क्या कहेंगे पानी के आलमी दिन के मौके पर? सर मैं इस मौके में यही कहना चाहूँगा कि हमें वी शुड बी सेव वाटर, बिकॉज वाटर इज़ यूज़फुल फॉर एनिमल्स फॉर लाइफ, क्योंकि पानी के बगैर कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि हम पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है,
और घर में भी हमारा पानी बहुत इस्तेमाल होता है, कुकिंग वॉशिंग ईच एंड एवरीथिंग में पानी, क्योंकि पानी बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये नेमत ही ख़त्म छीन ले ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमें चाहिए कि वी शुड बी सेव वाटर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्या कहेंगे जी आप? मेरा मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले साल कुछ सालों से वो फॉरेस्ट्री पे बहुत काम कर रहे हैं कि हमें दरख्त उगाना चाहिए। उन्होंने के पी के में बहुत ही एक शानदार कंपेन के जरिए से काफ़ी दरख्त उगाए और बहुत ही कामयाब कंपेन रही, लेकिन उनकी तरफ से उन्होंने काफ़ी मौके बात की लेकिन उन्होंने कभी पानी के मामले में बहुत जोर नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो बताएं लोगों को कि हमारी टॉप प्रायोरिटी कि हमने पानी के मसले को सबसे उसको नज़र में रखना है और पानी ज़ाया नहीं करना। अच्छा, इफ्तिखार साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप बता सकते हैं कि हालात को बेहतर किया जा सकता है और पॉलिसीज कैसे ठीक की जा सकती है? थैंक यू फहद। इनफैक्ट ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, हर साल उसकी एक थीम होती है, तो इस साल जो थीम है नो वन लेफ्ट बिहाइंड तो अप टू 2030। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली देर आर यूनाइटेड नेशंस गोल्स हैं 13 के करीब, तो सिक्स गोल जो है वो वाटर सस्टेनेबिलिटी पे है। तो इस दफ़ा इन्होंने सिक्स गोल उसको पिक किया है और उसमें यह है कि 2030 तक कोई बंदा या कोई पूरे ग्लोब में जो है पानी के बगैर नहीं होना चाहिए, उनका एजेंडा है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए उनके बहुत ज़्यादा फंडिंग होगी क्योंकि उनका गोल ही है, तो उसमें पाकिस्तान और ये सारे मुल्क शामिल हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर की जो पुअर हालात हैं, अगर परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए तो सबसे ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो इंडिया के हैं और पाकिस्तान उस लिस्ट में काफ़ी नीचे है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान में कुछ 16% के करीब हैं। तो इसलिए आज से मैं बड़ा खुश था कि कम से कम हम इंडिया से काफ़ी चीज़ों में बहुत आगे हैं। ठीक है, तो आपकी खुशी जी जी बहुत। तो एक चीज़, दो चीज़ें और कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने कहा जी कि वाटर पॉलिसी आई है और वो आगे शायद ना चले, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें 32 ऑब्जेक्टिव्स हैं और बड़े नाइसली उसको कवर किया गया है और प्रेजेंट हुकूमत अगर कुछ करेगी भी तो उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करेगी, वो पॉलिसी चलेगी, वो भी रिसेंटली आई है। और एक फंडिंग की बात भी मैडम ने की कि जी कालावा ये जो हमारा डैम बनेंगे तो वो हमें लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तिरबेला डैम बना था तो क्या लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे और 200 अरब रुपए उस पर लगे थे और तिरबेला डैम से आज तक जो मुनाफा हुआ वो 800 अरब था और वो जितनी भी हुकूमतें आई वो चाहती तो उस पैसे से एक डैम और बना सकते थे, लेकिन उस वक्त उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। तो इसलिए ये कहना कि जी लोगों से पैसे लेने, ऐसी कोई बात नहीं, पैसे बहुत हैं। आपका सर क्या टेक है इस सारे पे? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। क्या टेक है और किस तरीके से हालात को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, नॉर्मलाइज किया जा सकता है और आने वाली नस्लें जो हैं वो खुशी से और शादमानी से ज़िंदगी बसर कर सकें, हालांकि पानी की बूंद बूंद को ना तरसें जो अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है? आई थिंक मेरे ख्याल में तो इनफरादी सतह पर भी ज़रूरत है। हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम पानी को मुफ्त का माल समझ के ज़ाया करते रहते हैं और फिर पानी को किस तरह घर में इस्तेमाल करना है, टैंकी कैसे बनानी है, रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट करना, तो उसके लिए तालीम की ज़रूरत है। जो हमारा माशरा है उसमें भी किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए माशरे के अंदर जो मौजूद रवैये होते हैं उनका बड़ा मल दखल होता है। हमारे होता है कि खानदान से बाहर शादी करेंगे लोग क्या कहेंगे, कभी किसी ने कहा पानी ज़ाया कर रहे हो लोग क्या कहेंगे, कि हमारी नॉर्म्स में ये चीज़ नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसाल है। और इसके अलावा इसके अलावा हुकूमत तीसरे लेवल ये है कि जिसमें हुकूमत को काम करना है, अच्छे कानून और रेगुलेशन लानी है। देखें, रेत और भाल निकालने पर तो लाइसेंस भी लेना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं और सब ने कहा है कि वाटर लाइफ है, तो लाइफ को निकालने के लिए फ्री है। कोई पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर को निकालने पे एक भी कानून नहीं है। को लगभग करीब करीब भी है, 1880 का कैनाल एंड बराज एक्ट है, वो भी इस उसके बाद कुछ आया ना, तो वो ग्राउंड वाटर से पानी को इनकरेज करने के लिए था कि हमारे यहाँ वो सैलिनिटी आ गई थी। तो कानून तो एक है ही नहीं, रेगुलेशन है ही नहीं, जो जिसका दिल चाहता है पानी निकालता रहता है। तो हुकूमतों को आई थिंक इस पर पेनलाइज भी करना चाहिए और अगर आप घर में मोटर लगाएं तो लाइसेंस लें, अगर आप अपने खेत में पानी लगाना चाहते हैं ट्यूबवेल का तो आप पैसे दें, ये इतना मुफ्त का माल नहीं होना चाहिए। तो मेरी तो ये राय। बहुत शुक्रिया आपका जी। सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।